Welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 24th November. तो शुरुआत करते हैं आज के important current affairs की. आज का जो हमारा first question रहेगा, which state has been named as the best marine state in the country by the Department of Fisheries? तो कौन से state को as the best state, best marine state एक अवार्ड दिया गया, बेसिकली नामित किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज. द स्टेट इज आंध्र प्रदेश. याद रखें आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है. बाकी अगर इसमें आपको ये अवार्ड दिया गया, कौन सी डेट को दिया गया, ये दिया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फिशरीज डे. कौन सी डेट को हमने ऑब्जर्व किया, 21 नवंबर को हम वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व करते हैं, ये भी आपने याद रखना है. एंड ये सम्मानित किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी. मिनिस्टर कौन है जी, पुरुषोत्तम रूपाला, वो आपको ध्यान रखना है. टॉप स्टेट्स की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश मैरीन स्टेट रहा, इनलैंड स्टेट में तेलंगाना, हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो रहा वो रहा त्रिपुरा. एंड ये स्टेट्स की बात है, अगर आपसे कहीं डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है तो बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया बालासोर इन उड़ीसा, एंड बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट यह बालाघाट इन मध्य प्रदेश, एंड बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ बोंगाइगांव इन आसाम. तो ये डिटेल पूरा इसलिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डिटेल इसलिए लाता हूँ सो डैट कि आपको ऑरली तो मैं बता दूं बट इंपॉर्टेंट रहता है कि इस तरीके से आप इसे नोट डाउन करो. वेल पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ. अगर पीडीएफ कुछ एक दो दिन से डिले हो रहे हैं बट डोंट नीड टू वरी, ऐसा नहीं होगा कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे. जितने भी पेंडिंग पीडीएफ हैं मैंने सारे कवर कर ही लिए, आई थिंक 20 नवंबर तक हमने कर लिए, बाकी जो भी रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, डोंट नीड टू वरी. तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू टेलीग्राम ग्रुप सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऐप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू आपको मिल जाएंगे. तो ये सारा डिटेल आपने याद रखना, मिनिस्टर का नाम पुरुषोत्तम रूपाला याद रखें. आगे बढ़ते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड आरबीएल बैंक. आपको याद होगा इससे पहले बंधन बैंक को भी इन्होंने लाइक ऑथराइज किया था, लाइक डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए. डायरेक्ट टैक्सेस आप लोग जानते हो, जैसे हमारा इनकम टैक्स इज एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. तो ये सीबीडीटी ने ऑथराइज किया, बेसिकली ऑन द बिहाफ ऑफ सीबीडीटी आरबीआई ने इन्हें ऑथराइज किया टू लाइक कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस कस्टमर्स के. तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि एमडी एंड सीईओ को ने आरबीएल बैंक, देखो आरबीएल बैंक अपनों का बैंक इज द टैगलाइन, हेडक्वार्टर्स उसको आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेंगे. एमडी एंड सीईओ आपसे पूछ रहा है तो एमडी एंड सीईओ हैं इसके विश्वावीर आहूजा. एंड अगर इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें, जैसे हमारा सीबीडीटी है इसके जो चेयरमैन है वो है जे बी मोहपात्रा, वो आपको याद रखना है. एंड आरबीआई के ऑफकोर्स आप लोग जानते हो शक्तिकांत दास जो गवर्नर है, 25वें गवर्नर. ओके, विश्वावीर आहूजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. उड़ीसा सेलिब्रेटेड बोयटा बंदना फेस्टिवल ऑन कार्तिक पूर्णिमा. एक फेस्टिवल बेसिकली मैरीन फेस्टिवल है, वाटर बॉडीज की पूजा की जाती है ऑन दिस डे, एंड बोयटा बंदना इस फेस्टिवल का नाम है जो उड़ीसा में इसे सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन. तो इस फेस्टिवल का नाम आप याद रखें. वेंगाला फेस्टिवल मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, वो आपको याद रखना है, वो मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है. विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया किस कंट्री द्वारा, ये आपसे पूछ रहा है. तो ये कंट्री है जी रशिया. व्लादिमीर पुटिन इसके प्रेसिडेंट हैं, मॉस्को कैपिटल है, एंड पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा रशिया की. 2036 तक व्लादिमीर पुटिन रहेंगे, याद रखना. मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रैंक निकालता है जी हर साल बेस्ट पुलिस स्टेशन का, इसमें आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट. बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा रखा गया, इसमें रैंक किया गया दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन हैज बीन एडजस्ट एज द इंडियाज बेस्ट पुलिस स्टेशन अकॉर्डिंग टू एमएचए लेटेस्ट रिपोर्ट. इसमें अगर आप देखेंगे, देखो टॉप फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया सदर बाजार पुलिस स्टेशन, उसके बाद गंगापुर पुलिस स्टेशन, ये सेकेंड नंबर रहा गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उसके बाद भट्टूकलन पुलिस स्टेशन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा थर्ड नंबर पर रहा, वेलपोई पुलिस स्टेशन नॉर्थ गोवा का. इसमें अगर मैं जे एंड के परस्पेक्टिव से बात करूं तो हमारा बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन ये 9th नंबर पे रहा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपको ये मिलेगा बसंतगढ़ न्यू पुलिस स्टेशन. ये इंपॉर्टेंट अगर मैं जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं. वेल देखो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से कर रहे हो, आप बिलोंग करते हो, तो आपको अपनी स्टेट का वैसे टॉप 10 में याद रखना ही रखना है. तो अगर मैं ऐसे पर्टिकुलरली जे एंड के की बात करूं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एसएसपी की तैयारी कर रहे हो, तो उधमपुर का ये बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन आपने जरूर ध्यान रखना है, इसे टॉप 10 में जगह दी गई. सबसे पहले कौन है जी, सदर बाजार का पुलिस स्टेशन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली का, तो ये आपने ध्यान रखना है.
आगे बढ़ते हैं जी। हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा वीर चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया हमारे सोल्जर्स को, हमारे शूरवीर को। इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन अभिनंदन वर्तमान को सम्मानित किया गया, हैज बीन अकॉर्डेड विद वीर चक्र बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद फॉर हिज रोल इन पुशिंग बैक पाकिस्तान फाइटर जेट इन फरवरी 2019। आप लोग जानते हो इस इंसिडेंट के बारे में, तो इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया एंड इस टाइम ग्रुप कैप्टन भी हैं अभिनंदन वर्धमान। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अकॉर्डेड द सेकेंड हाइएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र पॉस्ट्यूमसली यानी कि मरणोपरांत टू प्रकाश जावेद फॉर न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट इन द ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर। इनकी वाइफ एंड इनकी मदर को ये अवार्ड दिया गया इनके बिहाफ पे एंड इन्हें मरण पॉस्ट्यूमसली प्रकाश यादव को सम्मानित किया गया। ये सम्मानित किया गया, हम बात करते हैं कीर्ति चक्र की। ओके, वीर चक्र के मैं बता चुका हूँ अभिनंदन को। उसके बाद मेजर विभूति शंकर धोनी दयाल, इन्हें सम्मानित किया गया शौर्य चक्र से पॉस्ट्यूमसली। उसके बाद इनकी वाइफ नीतिका कोल एंड इनकी मदर द्वारा ये अवार्ड को रिसीव किया गया। नायब सूबेदार सोमवीर, इन्हें भी सम्मानित किया गया पॉस्ट्यूमसली शौर्य चक्र से एंड इनकी वाइफ एंड इनकी मदर द्वारा ये अवार्ड को रिसीव किया गया। एंड एक और पर्सनैलिटी जी, मेजर महेश कुमार पुरे, इन्हें सम्मानित किया गया, इन्हें भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ओके, तो ये डिटेल आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने वीर चक्र आपने याद रखना है एंड उसके बाद आपने कीर्ति चक्र तो ज़रूर अपने ध्यान रखना ही रखना। आगे बढ़ते हैं जी। एल सल्वाडर, ये आप लोग जानते हो, ये फर्स्ट कंट्री बना था जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज किया था एज द ऑफिशियल करेंसी। नाउ इज प्लानिंग टू बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है एंड एल सल्वाडर, ये अपने ध्यान रखना है, एंड फर्स्ट सिटी बना था जिसने फर्स्ट कंट्री बेसिकली बना था जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज किया था एज अ नेशनल करेंसी, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है जी, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स अनीता देसाई हैज बीन कन्फर्ड विद, इन्हें सम्मानित किया गया विद टाटा लिटरेचर लाइफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021। इन्हें सम्मानित किया गया फॉर हर लॉन्ग लिटरेरी करियर एंड विच स्पैन्स ओवर 50 ईयर्स। तो अनीता देसाई का नाम ध्यान रखें, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड उसके साथ साथ पोएट लॉरेट अवार्ड फॉर 2021 ये सम्मानित किए गए हैं जी हमारे आदिल जसूवाला। इन्हें भी एक्सेप्शनल वर्क जो भी इंडियन लिटरेरी फील्ड कैटेगरी में, तो ये दो इंपॉर्टेंट नेम अनीता देसाई एंड आदिल जसूवाला, दोनों को आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी वेंजुला द्वारा एक न्यू टारगेट सेट किया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये दर्ज हुआ जी फॉर द लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा विद 8,573 म्यूजिशियंस प्लेइंग टुगेदर फॉर मोर देन 5 मिनट्स। ये आप देखें पिक्चर, ये अराउंड 8,573 म्यूजिशियंस जो एक साथ म्यूजिक प्ले करते हुए 5 मिनट तक इन्होंने कंटिन्यूसली एक रिकॉर्ड बनाया बेसिकली। तो वेनेजुएला कंट्री ने ये न्यू रिकॉर्ड किया है। दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन सेट बाय ऑर्केस्ट्रा नोन एज एल सिस्टमा एंड इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड रशिया द्वारा बनाया गया था जिसमें लगभग 8,097 म्यूजिशियंस ने एक साथ प्ले किया था। तो ये आपने ध्यान रखना, ये वेंजुएला द्वारा न्यू रिकॉर्ड सेट किया गया। सो आफ्टर दिस द 72nd एडिशन ऑफ नेशनल बुक अवार्ड से वर्चुअली ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय द नेशनल बुक फाउंडेशन एंड जेसॉन मॉट हैज़ वॉन 2021 नेशनल बुक अवार्ड फॉर हिज फिक्शन फॉर हिज नॉवल द हेल ऑफ बुक। तो हेल ऑफ बुक नॉवल का नाम अपने याद रखना है एंड जेसॉन मॉट ये बेसिकली यूके से बिलोंग करते हैं। 72nd एडिशन नेशनल बुक अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, जेसॉन मॉट, इनका नाम आप ध्यान रखें, हेल ऑफ बुक इसकी इनकी नॉवल का नाम। सो डेट्स ऑल, नाउ आफ्टर दिस इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, विच कंट्री हैज बिकेम वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस एज पर द रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। कौन सा कंट्री है आपने बताना है इसका आंसर कमेंट करके। सो गाइज, विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स खत्म किए। उम्मीद करूँगा वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। टेक केयर, सी यू सून।